सीएस पटेल बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग वर्चुअल क्लास में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं। बच्चों, वैश्विक महामारी के चलते इस वर्ष का अध्ययन अध्यापन का कार्यक्रम प्रभावित हो रहा है। ऐसे में हमारी बृहन मुंबई महानगर पालिका ने प्रत्येक विद्यार्थी तक ऑनलाइन टीचिंग पहुंचाने का प्रयास शुरू कर दिया है। सुस्वागतम। तो बच्चों, कक्षा दसवीं में आज हम देखेंगे भूगोल, और भूगोल में आज हम पढ़ेंगे पाठ सात, मानवीय अधिवास भाग एक, यानी ह्यूमन सेटलमेंट पार्ट वन पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों, मैं सी एस पटेल, वर्चुअल ट्रेनिंग सेंटर MCGM मुंबई से। आइए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, कक्षा दसवीं में हम पढ़ रहे हैं भारत और ब्राजील को। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, इस अगर हम बात करें स्क्रीन पर, तो आप देख पा रहे हैं एक ओर भारत की अगर बात करेंगे भारत, और दूसरी ओर ब्राजील का ये ध्वज आप देख पा रहे हैं। और बच्चों, भारत और ब्राजील दोनों ही विकासशील देश हैं, यानी डेवलपिंग कंट्रीज में आते हैं। तो कक्षा दसवीं में पूरे वर्ष में अध्ययन करना है, तुलनात्मक अध्ययन। तो चलिए बच्चों, ध्यान रखना है हमें, जैसा कि स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें यहाँ पर, इस बीच में आप एक रेखा खींचते हुए आप देख पा रहे हैं, राइट। तो बच्चों, ये है शून्यंश अक्षांश रेखा, राइट। तो ये शून्यंश अक्षांश रेखा की बात करें, यानी इक्वेटर की बात करें, तो ये 23.5 उत्तरी अक्षांश की रेखा जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और नीचे आप देख पा रहे हैं 23.5 दक्षिणी अक्षांश रेखा। तो बच्चों, जब भारत और ब्राजील को आप अध्ययन कर रहे हैं, राइट, तो भारत को अगर आप देखें यहाँ पे, ये सब पॉइंटर की मदद से आपको बताए, तो देखिए भारत के बीचों बीच एक रेखा गुजर रही है, और ये रेखा कर्क रेखा है, राइट। उसी तरह से जब ब्राजील का अध्ययन आप कर रहे हैं, राइट, तो ब्राजील के उत्तरी भाग से आप देखें जहाँ पर अगर हम बात करें शून्य अक्षांश रेखा अर्थात इक्वेटर गुजर रही है, ये आप देख पा रहे हैं, और ब्राजील के दक्षिणी भाग से जहां आप देख पा रहे हैं, यस, मकर रेखा गुजर रही है। तो बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, सूर्य का जो भासमान भ्रमण है, यस, अगर हम बात करें कर्क रेखा से, यस, मकर रेखा, सूर्य का भासमान भ्रमण, जैसा कि बच्चों इसके बाद आप जानते हैं कि सूर्य की किरणें ध्रुवों की ओर, जो अक्षांश की ओर जो हम बढ़ते जाते हैं, तिरछी होती जाती हैं, यस, चाहे हम नॉर्थ की बात करें यानी उत्तरी ध्रुव की ओर चले, या हम साउथ की बात करें अर्थात यस साउथ की बात यानी दक्षिण की बात करें, दक्षिणी पोल साउथ पोल की बात करें। तो वो बच्चों, यहाँ पे आपको ध्यान रखना है। आइए इसी क्रम में हम और आगे चलते हैं। बच्चों, हम आपको थोड़ा सा रिवाइज करते हुए, यस, अगर दिवाली के सेशन की बात करें, तो यस हम दूसरे सेशन की बात करें, बच्चों इसके पहले हमने भारत की, अगर हम भारत और ब्राज़ील की अगर बात करें, विश्व के दो विकासशील देशों का तुलनात्मक अध्ययन ये सब कर रहे हैं, तो बाईं ओर आप देख पा रहे हैं भारत के राजनीतिक मानचित्र की बात करें, और दाहिनी ओर आप देख पा रहे हैं ब्राज़ील के राजनीतिक मानचित्र को आप देख पा रहे हैं। ये इस तरह से बच्चों आपको ध्यान रखना है, अगर बात करें जैसे मानचित्र में कभी कभी पूछता है, जैसे भारत की राजधानी, तो भारत की राजधानी यहाँ पर आप देख सकते हैं, यस, इस तरह से आपको दिखाना है, और उसके यहाँ पर लिखा हुआ नई दिल्ली। इसी तरह से अगर ब्राज़ील की राजधानी की बात करें, तो ब्राज़ील की राजधानी यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ ब्राज़ीलिया। तो बच्चों, इस तरह से राजधानी की बात करें या प्रमुख शहरों की बात करें, इनको आपको ध्यान रखना है, पूछे जा सकते हैं। तो चलिए, ये आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा बच्चों, अगर हम बात करें, यस, भारत के अगर राज्यों की बात करें, राज्यों को आपको ध्यान रखना है, यस, इसके साथ ही प्राकृतिक संरचना व अपवाह तंत्र, यानी भारत का जो फिजियोग्राफिक रीजन है,
ये सिर्फ जियोग्राफिक रीजन की बात करें तो इसके पहले आप पढ़ चुके हैं, थोड़ा सा हम आपको रिवाइज करते हुए आगे चलेंगे। यस, चूँकि बच्चों अगर जियोग्राफिक रीजन दिमाग में रहेगा तो उसके से तमाम प्रश्नों का उत्तर आप आसानी से दे पाएंगे। राइट, तो यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, अगर हम बात करें उत्तर के हिमालय पर्वतीय क्षेत्र की बात करें, राइट, इसके साथ ही जैसा कि आप जानते हैं बच्चों, ये तलवार की भांति 2400 किलोमीटर फैला हुआ ये उत्तर का जो हिमालयी पर्वत श्रृंखला है वो आप देख पा रहे हैं। इसके अलावा बच्चों गंगा यमुना का जो विस्तृत मैदानी प्रदेश है उस चाहे उसकी बात करें, जो उसका ढाल है, स्लोप है, जिस इस तरफ है जैसा कि आप जानते हैं। और इसके बाद बच्चों और दक्षिण की ओर आते हैं तो ये अगर पठारों की बात करें, चाहे बघेल बुंदेलखंड, बघेलखंड, यस, इन पठारों की बात, इसके अलावा जो पेंसुलर एरिया है, पूरा पेंसुलर एरिया जो प्रायद्वीपीय क्षेत्र है वो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा पश्चिमी घाट की बात करें, पूर्वी घाट की बात करें, यस, कच्छ के रण की बात करें, या मरुस्थली महामरुस्थली क्षेत्र की बात करें, ये आपको ध्यान रखना है। या जो नॉर्थ ईस्ट की बात करें, यानी जो सेवन सिस्टर्स के नाम से जाना जाता है, जिनकी चर्चा हम पहले भी कर चुके हैं, इन्हें आपको ध्यान रखना है। ये इसके अलावा अंडमान निकोबार की बात करें और लक्षद्वीप की बात करें जो कि यस, तो ये आड़ा खाड़ा दिमाग में अपने आप जो है रखना है। इसी किसके अलावा जो अपवाह तंत्र है, यानी हम जो ड्रेनेज पैटर्न की बात कर रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम की बात कर रहे हैं, यस, तमाम नदियों की बात करें, जो मुख्य नदियाँ कहाँ से निकलती हैं, कहाँ गिरती हैं, जिसका अध्ययन हम पढ़ चुके हैं, तो इसे भी अपने दिमाग में रखना है। तो चलिए हम थोड़ा सा रिवाइज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो मुख्य भौगोलिक वितरण, जैसे जो हिमालय की बात कर रहे हैं, ये आपको ध्यान रखना है, उत्तरी मैदानी क्षेत्र ध्यान रखना है, इसके बाद समुद्रतटीय मैदानी क्षेत्र को ध्यान रखना है और प्रायद्वीपीय पठारी क्षेत्र को ध्यान रखना है। यस, इसके साथ साथ जो समुद्र के अंदर जो द्वीप है, चाहे लक्षद्वीप की बात करें या अंडमान निकोबार द्वीप समूह, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों हम मानवीय अधिवास की बात करेंगे, जिसे आज हमें अध्ययन करना है। हम ह्यूमन सेटलमेंट की बात करने वाले हैं। तो बच्चों कक्षा सातवीं के भूगोल में आपने इसका अध्ययन किया हुआ है, चलिए हम आपको यहाँ पर जिस कक्षा सातवीं के भूगोल से वो चित्र आपको याद दिलाते हैं। राइट, जब हम बस्तियों की बात करते हैं, अधिवास की बात करते हैं, राइट, तो आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर आपको एक तालाब, इसके किनारे किस तरह से अधिवास दिखाई दे पा रहे हैं, या एक अगर सड़क की बात करें, यस, उसके किनारे जो बने हुए मकान हैं, अधिवास हैं, उनकी बात करें, या यहाँ वहाँ बिखरे हुए बस्तियों की बात समझ सकते हैं। यस, तो इस तरह से बच्चों आपने इसके पहले अध्ययन किया है। अगर बात करें केंद्रित बस्ती पैटर्न की बात करें, प्रतिरूप की बात करें, उसको आपने कक्षा सातवीं में अध्ययन किया है भूगोल में। इसके अलावा रेखीय जो पैटर्न है, यस, जिसे लीनियर पैटर्न कहते हैं, यस, उसको आपने अध्ययन किया हुआ है। इसके अलावा बच्चों जब बात करते हैं बिखरी बस्ती की, स्कैटर्ड सेटलमेंट की बात करते हैं, जिसमें बस्तियां जो है यहाँ और वहाँ बिखरी हुई रहती हैं, तो एक तरफ ध्यान रखना है आपको। हम थोड़े से रिवाइज कर दें, जब हम केंद्रित बस्ती की बात करते हैं, यानी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट की बात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई झरना हो, कोई नाला हो, यस, कोई नदी हो, तालाब हो, झील जैसे जल स्रोतों के समीप ये तैयार होते हैं। इस प्रकार के ये अधिवास के जो प्रतिरूप है, पैटर्न है, जिन्हें केंद्रित बस्ती या न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है। यस, इसके अलावा हमने बात की, यस, लीनियर अर्थात जो रेखीय प्रतिरूप की हम बात करें, जिसे एक ही रेखा में, जैसे अगर नदी के किनारे या नहर के किनारे, यस, या इस तरह का कोई समुद्र का किनारा हो या कोई पर्वत की तलहटी हो, तो इस तरह का पैटर्न दिखाई दे। एक सड़क आप देख सकते हैं यहाँ पर गुजर रही है और इसके दोनों ओर इस तरह से एक रेखा में घर बने हुए हैं, यस, इसको रेखीय प्रतिरूप या लीनियर पैटर्न कहा जाता है। यस, ये भी आपको ध्यान रखना है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं बच्चों, जैसा कि आप पहले पढ़ भी चुके हैं, बस्तियाँ यहाँ वहाँ बिखरी हुई हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए हम मानवीय अधिवास की बात कर रहे हैं, राइट, तो आपकी पाठ्यपुस्तक में चित्र दिया हुआ है, राइट, जरा ध्यान से देखने का प्रयास कीजिए। यस, तो यहाँ पर आप अगर ध्यान से देखते हैं तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि किस तरह से यहाँ पर जो बस्तियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, तो आप देखिए, तो ये सब देख सकते हैं,
यहाँ बस्तियाँ आपको काफ़ी इस रूप में सघन बस्ती अर्थात घनी बस्तियाँ यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, छोटी छोटी जो आप दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है, ये सब बस्तियाँ हैं, राइट। तो ये आपको ध्यान रखना है, इस प्रकार की जो बस्तियाँ हैं यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि जहाँ पर कृषि योग्य भूमि या जल की उपलब्धता हो, जहाँ पर मानव अपने निवास बनाकर रहता है अधिक, तो इस प्रकार की जो बस्तियां हैं जिसे जिस नाभिकीय प्रतिरूप या न्यूक्लिएटेड पैटर्न कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। इस अगर हम बात करें इस प्रकार के प्रतिरूपों की, तो इस भारत में आदिवासियों के प्रतिरूप की अगर बात करें, इस प्रकार के अधिवास भारत में हैं। और अगर यूं कहें कि जहाँ पर जनसंख्या अधिक जिसकी अगर हम बात करें, तो इस प्रकार के अधिवास भारत में इस प्रकार के पैटर्न जहाँ पर सुविधाएं अधिक हो, यानी चाहे भूमि खेती योग्य भूमि की उपलब्धता की बात करें, पानी की उपलब्धता की बात करें, यस, या उर्वरकता की दृष्टिकोण से देखें, उत्पादन के दृष्टिकोण से देखें, तो इस प्रकार के पैटर्न वहाँ पे, यानी यहाँ पर जनसंख्या अधिक होती है, तो इस प्रकार के प्रतिरूप तैयार हो जाते हैं। मानवीय अधिवास की बात करें, ह्यूमन सेटलमेंट की हम बात कर रहे हैं, चलिए एक चित्र हम और आपको दिखाते हैं, राइट। जरा इस चित्र को ध्यान से देखिए, इस चित्र में आप अगर आप ध्यान से देखेंगे, राइट, तो यहाँ पर आपको जो अधिवास, जरा ध्यान से आप देखिए, तो आपको यहाँ पर एक जो अधिवास दिखाई दे रहे हैं, एक यस एक रेखा के रूप में, ये सब आप देख सकते हैं, एक लीनियर कह सकते हैं, एक रेखा के रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा यहाँ देखिए, तो यहाँ फिर यहाँ फिर यहाँ फिर इस तरह से यहाँ पर जो आपको बस्तियाँ दिखाई दे रही है बच्चों, ये बिखरी हुई बस्ती के रूप में आप इसे देख सकते हैं, यस। तो इसे बिखरी हुई या इसे प्रकीर्ण जो है, प्रकीर्ण या स्कैटर्ड सेटलमेंट कहा जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। तो बच्चों इस तरह के अगर इस तरह के अधिवासों की बात करें, जिस तरह से जिस प्रकीर्ण अधिवासों की बात करें, तो इसमें यहां पर आप समझ सकते हैं प्रकीर्ण अधिवास के रूप में। और ये अधिवास अगर भारत की बात करें, तो भारत में जहां पर घने जंगल हो या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, इस प्रकार के बिखरे हुए जो या प्रकीर्ण अधिवास देखे जाते हैं। आइए बच्चों दोनों को एक साथ देखने का प्रयास करते हैं, राइट। तो देखिए इनमें से कौन सा अधिवास केंद्रीय प्रकार का है, यस, तो इसकी चर्चा हमने अभी इसके पहले की कि इस प्रकार की जो बस्तियां हैं जिसे केंद्रीय प्रकार या जिसे न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है, केंद्रित बस्ती कहते हैं, यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी झरने नाले नदी तालाब झील जैसे जल स्रोतों के समीप जो है जहाँ पर बस्ती न्यूक्लिएटेड हो जाती है, अर्थात बहुत घनी बस्ती होती है, इस प्रकार की बस्ती वहाँ पर होती है। प्रकीर्ण या बिखरे हुए अधिवासियों का भाग कौन सा है, उसका कारण क्या होगा, तो स्टूडेंट्स हमने इसकी चर्चा की, यस, जो नीचे के चित्र में आपने देखा हमने किस तरह से इसकी बात की, जो यहाँ वहाँ जो बिखरे हुए जो प्रकीर्ण की हम बात कर रहे थे, यस, इस तरह के जो अधिवास जो प्रकीर्ण अधिवास या स्कैटर्ड सेटलमेंट इन्हें कहा जाता है, और इस तरह के अधिवास जिसकी हमने चर्चा की, चाहे घने जंगल हो या मरुस्थली प्रदेश हो, जहाँ पर मानव सुविधाओं के दृष्टिकोण से देखा जाए, मानव अपने अधिवास कहाँ कम से कम बनाकर रख सकता है, जहाँ पर उसे सुविधाएं न मिलती हो, अर्थात तमाम प्रकार की परेशानियाँ हो, यस, जैसे अगर बहुत ऊंचा क्षेत्र है, यस, अगर पर्वतीय क्षेत्र है तो वहाँ भी तमाम प्रकार की परेशानियाँ होती हैं, ऐसे में वहाँ भी स्कैटर्ड या बिखरी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो यस, इस दृष्टिकोण से हम समझ सकते हैं, आइए इसी क्रम में हम आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। ये अधिवास की अगर बात करें, इस तरह के अधिवास हमने कहा कि जहाँ पर यस, जहाँ पर कि इस तरह के ऐसे अधिवास वहाँ पर जो स्कैटर्ड बात कर रहे हैं, यानी बिखरी हुई बस्तियों की अगर बात करें, तो बिखरी हुई बस्तियाँ जैसे हमने बात की मरुस्थली क्षेत्र, राजस्थान के मरुस्थली क्षेत्र की बात करें, या जो मध्य भारत का क्षेत्र है,
जो वनाच्छादित क्षेत्र है जहाँ पर इस तरह या हिमालय का जहाँ पर ढाल है ऐसे क्षेत्र तथा जहाँ पर उतार और चढ़ाव अधिक हो ऐसे क्षेत्र में भी इस प्रकार की बिखरी हुई बस्तियाँ पाई जाती हैं। तो अभी हम चर्चा करेंगे, यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे भारत में, चलिए हम यहाँ पर आपको बताने का प्रयास करें कि भारत में जलवायु में पाई जाने वाली विविधता, पानी की उपलब्धता, भूमि की ढाल एवं उर्वरता के कारण आदिवासियों के प्रतिरूप में विविधता पाई जाती है। तो चलिए बच्चों, यहाँ पर हमने चित्र लिया है, जिस जनसंख्या की अगर बात करें यानी मनुष्य जो है अपने अधिवास जहाँ बना के रहता है वहाँ पर, अगर हम सेटलमेंट की बात करें, अधिवासों की बात करें, तो वहाँ पर वो निवास करता है, इसलिए यहाँ पर इसे इस मानचित्र के द्वारा, जनसंख्या के इस मानचित्र के द्वारा अधिवास को समझने में मदद मिलेगी, इसलिए हमने इस चित्र को यहाँ पे रखा है। राइट, तो आप देख सकते हैं अगर मैदानी क्षेत्र की बात करें जहाँ पर प्रोडक्शन या उत्पादन कर सकते हैं, कृषि योग्य भूमि की बात करें, सिंचाई की सुविधा की बात करें, ये तमाम जो है आप देख सकते हैं जनसंख्या का संकेंद्रण इन क्षेत्रों में सबसे अधिक होता हुआ आपको दिखाई दे रहा है। और इसे आप अगर डेंसिटी के दृष्टिकोण से आप समझे तो जो दूसरा वाला मानचित्र है राइट, यहाँ भी आप को इसको समझने में मदद मिलेगी, यानी ये दृष्टिकोण से आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या, यहाँ पर जनसंख्या का घनत्व तो आपको अधिक दिखाई दे रहा है, यानी अगर बात करें यहाँ पर जनसंख्या सेंट्रलाइज है यानी केंद्रित है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इस प्रकार जो अगर सेटलमेंट की जो बात करें, अधिवास की बात करें, यस, तो उसको यहाँ पर समझने में मदद मिलती है। आइए इस अगर चित्र में हम देखें कि ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील में अधिवासियों के प्रतिरूपों के उदाहरण यहाँ पर आप देख सकते हैं। अमेजन नदी की निचली भूमि, जरा ध्यान से आप देखें, अमेजन नदी जैसा कि आप जानते हैं विश्व की जो दो सबसे चर्चित अगर नदियों की बात करें, ये नील नदी और अमेजन नदी राइट, तो अगर बेसिन के संदर्भ में देखें तो विश्व की सबसे चर्चित नदी है अमेजन नदी। तो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं इसी अमेजन नदी की हम बात करें, तो अमेजन नदी में अधिवासियों के प्रतिरूपों की बात करें तो स्क्रीन पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो इस तरह से हल्के ये छोटे छोटे आपको जो दिखाई दे रहे हैं ये अधिवास, तो यहाँ पर आप देख करके समझ सकते हैं कि बस्तियाँ किस तरह से बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही, ये बस्तियाँ आपको जो दिखाई दे रही हैं वो बस्तियाँ बिखरी हुई दिखाई दे रही है, इस चित्र को आप देख करके समझ सकते हैं राइट। तो इस तरह से देख सकते हैं कि यहाँ पर बस्ती जो है बिखरी हुई आपको दिखाई दे रही है। ब्राजील में अधिवासियों के प्रतिरूपों की बात कर रहे हैं तो आइए यहाँ पर दूसरे चित्र को जरा ध्यान से देखिए, तो आप देखिए आप देख करके समझ सकते हैं कितनी घनी बस्ती आपको दिखाई दे रही है, ये पूरी घनी बस्ती आपको जो दिखाई दे रही है ये साओ पाउलो शहर है, साओ पाउलो सिटी है, तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जनसंख्या का संकेंद्रण कितना अधिक है, इससे आप समझ सकते हैं। और इस प्रकार की जो बस्ती है वह केंद्रीय बस्ती के रूप में जानी जाती है, केंद्रीय बस्ती के रूप में जानी जाती है, ये आपको ध्यान रखना है राइट। तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि आखिर में यहाँ पर जनसंख्या अधिक क्यों है, तो ये सब समझ सकते हैं कि चूंकि तटीय प्रदेश की सम और आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति, संसाधनों की उपलब्धता, यस, तो इसके कारण यहाँ पर समझ सकते हैं कि भले ही यहाँ पर कृषि योग्य जमीन की कमी हो लेकिन यहाँ पर जनसंख्या जो है अधिक है, साओ पाउलो की हम बात कर रहे हैं। तो चलिए इसी संदर्भ में और आगे बढ़ेंगे। तो बच्चों यस, हमने यहाँ पर दो चित्र देखे, यस हमने देखा अमेजन नदी का जो समतल प्रदेश, तो कहीं दूसरी ओर जो दूसरा चित्र हमने देखा यहाँ पर यस तटीय प्रदेश की हम बात करें, ये अमेजन नदी का बेसिन देख पा रहे हैं, दूसरा आप देख पा रहे हैं साओ पाउलो। तो इस तरह से ये समुद्र के तटवर्ती प्रदेश जो साओ पाउलो की बात करें, यस, तो इस तरह से यहाँ पर आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर जहाँ पर एक और बिखरी हुई बस्तियों की बात करें, स्कैटर्ड जो सेटलमेंट है वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और यहाँ पर जो प्रतिरूप बन रहा है इस प्रकार के प्रतिरूप को केंद्रीय बस्ती
का स्वरूप या प्रतिरूप कहा जाता है। चलिए ये ध्यान रखिए। आइए बच्चों इसे इस रूप में हम समझ सकते हैं। यस, ब्राजील की अगर बात करें तो ब्राजील में आदिवासियों की शुरुआत यूरोप से आए साम्राज्यवादियों ने की। ये आदिवासी मुख्य रूप से ब्राजील के तटीय प्रदेशों में विकसित हुए। राइट, तो चलिए यहाँ पर आप समझिए, समझने का प्रयास कीजिए। जब हम अधिवास की बात कर रहे हैं, राइट, यानी हम सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, राइट, चूंकि मनुष्य जब अपने सेटलमेंट अधिवास जब बनाता है तो वहाँ पर वो निवास करता है, रहता है। उस दृष्टिकोण से इसे अगर आप समझने का प्रयास करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जब हम बात कर रहे हैं समुद्र के तटवर्तीय प्रदेशों की बात करें तो उसी में से आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो साओ पाउलो की हम बात कर रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है अगर हम जनसंख्या की बात करें, राइट, आप अधिक देख पा रहे हैं। यस, यहाँ पर जनसंख्या आपको अधिक है, यानी समुद्र के तटवर्ती क्षेत्र में, चाहे यहाँ की बात करें या यहाँ भी आप देख सकते हैं जनसंख्या आपको अधिक दिखाई दे रही है। यस, उसी तरह से अगर यहाँ पर अगर डार्ट मेथड को आप देखें तो और अच्छे से आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या का संकेंद्रण बड़े पैमाने पर आपको इस क्षेत्र में दिखाई दे रहा है, इस क्षेत्र में भी आपको दिखाई दे रहा है। पूरा अगर मिलाकर कुल देखा जाए तो इस पूरे क्षेत्र में आपको जनसंख्या अधिक दिखाई दे रही है, यानी ये थोड़े से हिस्से को छोड़ करके। और यहाँ पर इसीलिए क्योंकि आप देख सकते हैं कि ब्राज़ील के इस हिस्से में जनसंख्या बहुत कम दिखाई दे रही है, यानी यहाँ पर जो अधिवास आपको दिखाई दे रहे हैं, राइट, तो बच्चों हमारा जो उद्देश्य है अधिवास को अच्छी तरह समझना है, तो जरा आप अधिवास समझिए, यानी सेटलमेंट जिसकी हम बात करें, देखिए आपको कितने कम दिखाई दे रहे हैं। यस, इससे पता चलता है कि ये जो डॉट्स कम दिखाई दे रहे हैं, यानी यहाँ पर जो जनसंख्या कम है, और स्वाभाविक है कि यहाँ पर जो बस्ती है, यहाँ पर बस्तियाँ जो है वो स्कैटर्ड है, अर्थात यहाँ पर बहुत बिखरी हुई बस्तियाँ दिखाई पड़ रही है। और बच्चों उसका रीजन आप जानते हैं, जैसा कि आप जानते हैं कि ये जो अब आपको याद आ रहा होगा जब हम फिजियोग्राफिक रीजन की बात कर रहे हैं ब्राज़ील की, तो तुरंत आपको ध्यान आएगा, अरे हाँ, ये तो पूरा हिस्सा जो है ये सामेजन का पूरा बेसिन है, बड़ा बेसिन है, राइट, तो निश्चित रूप से वहाँ पर जनसंख्या कम है, ये आपको ध्यान आ गया होगा। यस, तो अब इन अधिवासों के आकार बढ़कर वे सघन बन गए हैं जिनकी अभी हम बात कर रहे थे। यस, धीरे धीरे तटीय प्रदेश में जहाँ पर हमने देखा कि सम व आर्द्र जलवायु, जल की प्रचुर आपूर्ति है, संसाधनों की उपलब्धता, कृषि योग्य जमीन इत्यादि के कारण इस प्रदेश में भूमि भले ही कम हो, लेकिन जो है अगर हम अधिवास की बात करें, सेटलमेंट की बात करो, तो इन क्षेत्रों में जो है ये सेटलमेंट घने हैं, और सेटलमेंट घने हैं, और यही कारण है बच्चों इस क्षेत्र में जनसंख्या यानी पॉपुलेशन भी अधिक है। पॉपुलेशन का सेक्टर यानी पार्ट तो हम पहले पढ़ चुके हैं, यस, लेकिन यहाँ पर हम अधिवास को समझ रहे हैं, तो ध्यान रखना है कि यहाँ पर जो अधिवास है वो किस प्रकार के हैं, घने अधिवास हैं, राइट, न्यूक्लिएटेड है, जिसे केंद्रीय अधिवास कहा जाता है। तो चलिए ये ध्यान रखिए, साओ पाउलो प्रदेश की जमीन उर्वर है, कहवा के उत्पादन हेतु यह प्रदेश उपयुक्त है। ये अगर साओ पाउलो की बात करें तो प्रदेश की जमीन उर्वर है और कहवा के उत्पादन हेतु ये प्रदेश उपयुक्त है। अगर आप बात करें बच्चों साओ पाउलो की, तो साओ पाउलो सिटी आप देख सकते हैं, और देखिए किस तरह से यहाँ बहुमंजिली इमारतें आपको दिखाई दे रही, ये शहर में आप देखिए देख सकते हैं कि ऊंची ऊंची इमारतें आपको दिखाई दे रही, यानी इस प्रकार की जो बस्ती है बच्चों, जिसे न्यूक्लिएटेड जो सेटलमेंट पैटर्न कहते हैं, यानी आप घनी बस्ती बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस, तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहे बहुमंजिली इमारतें आपको दिखाई दे रही, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, तो इस प्रकार के प्रतिरूप को, यस, इस प्रकार के प्रतिरूप को केंद्रित यानी न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट कहा जाता है, यह आपको ध्यान रखना है। चलिए इसी क्रम में हम और आगे बढ़ेंगे।
तो हमने बात की तटीय प्रदेश से ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र अर्थात अमेजन के मैदान की ओर जब जाते हैं तो मानवीय अधिवास अधिक विरल हो जाते हैं। यस बच्चों, आइए हम आपको दिखाने का प्रयास करें। राइट, तो आप समझ सकते हैं कि जब हम तटीय प्रदेश से ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र अर्थात अमेजन के मैदान की ओर जाते हैं तो यहाँ पर देखिए जो तटीय प्रदेश की बात करें, ये तटीय प्रदेश है, ये समुद्र तटीय प्रदेश है, इसके अंदर की ओर जब जाते हैं अर्थात जब ये अमेजन नदी है और ये अमेजन नदी का पूरा बेसिन है जिसकी हम बात कर रहे हैं, राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो सेटलमेंट की अगर बात करें, मानवीय अधिवास, स्वाभाविक है कि यहाँ पर तमाम प्रकार के चैलेंजेज है, तमाम प्रकार की बाधाएं हैं, चुनौतियां हैं। और बच्चों, अगर ब्राजील के अगर अमेजन की बात करें बच्चों, विश्व प्रसिद्ध अगर बात करें यहाँ पर, तो विश्व प्रसिद्ध यहाँ पे वन अर्थात बहुत ही घने वन है किस अमेजन में, और स्क्रीन पर आप देख सकते हैं बच्चों एक विस्तृत व्यू आपको दिखाई दे रहा है इस अमेजन बेसिन का। तो जरा ध्यान से देखिए, ये सब देख सकते हैं बच्चों कितना घना आपको जिस अगर वन की बात करें, जंगल की बात करें, आपको दिखाई दे रहा है, और एक बड़ा विस्तृत दलदली क्षेत्र भी है और बीच से एक विस्तृत जो नदी है ये आप देख पा रहे हैं, यही नदी अमेजन नदी है। तो ये आपको ध्यान रखना है और यही कारण है कि यहाँ पर यानी अमेजन बेसिन में जो जनसंख्या के हम यानी हम जब अधिवास की बात कर रहे हैं, सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, ह्यूमन सेटलमेंट की बात कर रहे हैं, मानव अधिवास की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत विरल हैं। ये ध्यान रखिए, परीक्षा में पूछा जा सकता है कि तटीय प्रदेश से ब्राजील के अंदरूनी क्षेत्र में अमेजन के मैदान की ओर जब जाते हैं तो मानवीय जो अधिवास है वो किस तरह के होते हैं, तो आपको बताना है कि वो विरल होते हैं, यानी अर्थात वहाँ पर जो अधिवास हैं, सेटलमेंट हैं, बहुत कम बने हैं, यहाँ वहाँ बिखरे हुए बने हैं, ये सामने से देखा। तो बच्चों, यह प्रदेश सघन विषुवत वृत्तीय वनों से व्याप्त है, तो आप देख सकते हैं चूंकि ये सघन विषुवत वृत्तीय वनों से व्याप्त है, आप देख सकते हैं अमेजन नदी के मैदान में वन आपको दिखाई दे रहे हैं। तो आप देख सकते हैं एक और अमेजन बेसिन का ही चित्र आपको दिखाई दे रहा है, राइट, देख सकते हैं। अगर वृक्षों की बात करें, वनों की बात करें, तो विस्तृत वन आपको दिखाई दे रहा है, और ऐसे में अगर सेटलमेंट की बात करें, ये अधिवासियों की बात करें, बस्तियों की बात करें, तो दूर दूर कहीं कहीं एक आध बस्ती आपको दिखाई देंगे। आइए जब बस्तियों की बात कर रहे हैं तो स्क्रीन पर आपको हम और दिखाते हैं। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं जब हम बस्तियों की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर आपको बस्तियाँ दिखाई दे रही है। यस, तो मनुष्य अपनी आवश्यकता के अनुसार, अपनी सुविधा के अनुसार बस्तियाँ बना करके रहता है। यस, आप देख सकते हैं। आइए जब बस्तियों की बात कर रहे हैं तो कुछ चित्र और दिखाते हैं बस्तियों की। यस, यहाँ पर आप देखिए, हमने भी चर्चा की जब कोई सड़क हो या कोई नदी हो, यस, तो उसके किनारे किनारे जो पैटर्न देखिए आप देख सकते हैं, उसके किनारे किनारे एक रेखा में, एक लीनियर पैटर्न के रूप में जो अधिवास है वो बन जाते, एक रेखा के रूप में, राइट, ये आपको ध्यान रखना है। बच्चों, अगर हम अधिवास की बात कर रहे हैं, राइट, तो एक आपको हम यस एरियल व्यू दिखा रहे हैं, जरा ध्यान से आप देखिए। यस बच्चों, हवाई अगर बात करें तो यस ये विमान से लिया हुआ एक चित्र जो स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं बच्चों। तो जब आप बड़े होंगे, राइट, तो आप यस अगर कभी आपको अवसर मिलेगा जब भी, तो भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते जब आप कभी अगर एरोप्लेन से जब उड़ेंगे एरोप्लेन में, तो आपको इस तरह से दिखाई देगा, जैसे ही प्लेन ऊपर जाता है बच्चों, इस तरह का अनुभव आप देख पाएंगे, तो आपको जो बस्ती है, जो नीचे बस्ती है, उसका पैटर्न आपको दिखाई देता है कि किस प्रकार की बस्ती आपको दिखाई दे रही है। यस, तो आप साफ साफ देख पाएंगे, नीचे रह करके तो आप नहीं देख पाते हैं, लेकिन जैसे जैसे ऊंचाई पर जाते हैं तैसे तैसे वो बस्ती यहाँ पर आप देख सकते हैं। यस,
वो आपको दिखाई देती है, दिन दिन लगते हैं कि बस्ती किस तरह की है। यस, यहाँ पर आप देख सकते हैं। एक चित्र और हम आपको दिखाएं। यस राइट, तो बच्चों ये चित्र भी आप देख सकते हैं, हमने स्वतः जो है इस चित्र को खींचा है। तो आप देखिए बच्चों, यहाँ पर जब और ऊंचाई के जाने पर इस तरह से बस्ती जो है दिखाई पड़ती है। निश्चित रूप से एक भूगोल के विद्यार्थी होने के नाते बड़ी ही उत्सुकता रहती है पैटर्न जानने का, प्रतिरूप जानने का कि आखिर कहाँ जो है किस तरह की बस्ती का पैटर्न दिखाई देता है। तो बच्चों हम बात कर रहे थे इस मानव अधिवास के बारे में बात कर रहे थे कि मनुष्य अपने अधिवास बस्तियां जो है किस तरह से बनाता है और उसके प्रतिरूपों की हम चर्चा कर रहे थे। तो आइए बच्चों थोड़ा सा अभ्यास कर लेते हैं। आवासों का केंद्रीकरण नीचे दिए गए प्रमुख कारकों पर निर्भर है। जरा ध्यान से देखें, सागर से निकटता, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता, जलवायु। आवासों का केंद्रीकरण यानी हम हेमंत सेटलमेंट की बात करें जिसमें अगर सेंट्रलाइजेशन की बात करें या न्यूक्लिएटेड पैटर्न की बात करें तो ये प्रमुख कि अगर कारकों की बात करें तो कौन सा कारक उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी होगा। यस, सागर से निकटता, मैदानी प्रदेश, पानी की उपलब्धता या जलवायु। तो मनुष्य के लिए सबसे अधिक उपयोगी क्या हो सकता है, कौन सा कारक इसमें हो सकता है। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा, यस, और आप समझ सकते हैं इसमें सबसे उपयुक्त कारक जो आपको लगेगा वह है यस पानी की उपलब्धता, तीसरा। यस, ये आपको ध्यान रखना है। तो चलिए और देख लेते हैं, ध्यान से देखिए, उचित विकल्प चुनना है। ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन से प्रकार के अधिवास मुख्य रूप से मिलते हैं। ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग में, यस बच्चों, ब्राजील के दक्षिणी पूर्वी भाग में कौन से प्रकार के, तो याद कीजिए इसकी भी हमने चर्चा की थी। दक्षिणी पूर्वी तो तुरंत आपको मानचित्र में ध्यान आ जाना चाहिए ब्राजील के, और चार आपके पास विकल्प हैं कि वह किस प्रकार के अधिवास यानी केंद्रित, रेखाकृति, प्रकीर्ण या ताराकृति। तो चलिए ये चार प्रकार के अधिवासों के जो प्रतिरूप हैं वो दिए गए हैं। इसमें से आपको सोचना है कि दक्षिण पूर्वी, जो दक्षिण पूर्वी ब्राज़ील की हम बात कर रहे हैं, यस, तो इसकी हमने चर्चा की थी, आपको याद आ गया होगा, केंद्रित, रेखाकृति, यस, प्रकीर्ण या ताराकृति। तो बच्चों आपको याद आ रहा होगा जो सही विकल्प है वो है केंद्रित, यस। तो बच्चों हमने इसकी चर्चा की थी। आइए एक और देख लेते हैं प्रश्न, अगला प्रश्न, उचित विकल्प चुनिए। भारत में प्रकीर्ण अधिवास यानी स्केटर्ड अगर सेटलमेंट की बात करें वे कहाँ पाए जाते हैं। नदी के किनारे, परिवहन मार्गों के किनारे, पहाड़ी प्रदेशों में या औद्योगिक क्षेत्रों में। चार विकल्प आपके पास हैं। बच्चों आपको याद आ रहा होगा, ये अगर हम बात कर रहे हैं प्रकीर्ण अधिवास यानी स्कैटर्ड, या कह सकते हैं प्रकीर्ण का मतलब स्कैटर्ड, स्कैटर्ड को हम बिखरे हुए कह सकते हैं। तो अगर बिखरे हुए भी आपको ध्यान रखना है, ये प्रकीर्ण कहें या बिखरे हुई बस्ती कहें या अधिवास कहें, इंग्लिश में उसे सेटलमेंट कहते हैं। तो आपको याद आ गया होगा यस कि ये इसका जो सही विकल्प है वो क्या होगा। तो चलिए टैली कीजिए, तो इसका सही विकल्प है तीसरा, पहाड़ी प्रदेशों में। यस, प्रकीर्ण प्रदेश, प्रकीर्ण जो अगर अधिवासियों की बात करें यानी स्केटर्ड जो सेटलमेंट है वो कहाँ पर अधिक होंगे। यस बच्चों, पहाड़ी प्रदेश में, यानी एक वहाँ एक वहाँ एक वहाँ इस तरह से का सेटलमेंट पहाड़ी प्रदेशों में होता है। तो चलिए बच्चों लास्ट में हम एक और देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किसके कारण नर्मदा की घाटी में सघन अधिवास पाए जाते हैं। तो नर्मदा की घाटी की बात कर रहे हैं, बेसिन की बात कर रहे हैं, यस, तो चार विकल्प आपके पास है, वनाच्छादन, कृषि योग्य भूमि, ऊंची नीची भूमि या उद्योग व्यापार। तो याद कीजिए बच्चों, इसकी भी चर्चा हमने की थी, यस, नर्मदा की नदी घाटी में सघन अधिवास पाए जाते हैं, यस, तो वनाच्छादन, कृषि योग्य भूमि, ऊंची नीची भूमि या उद्योग व्यापार। तो बच्चों आपको याद आ गया होगा, यस, उसका जो सही उत्तर है कृषि योग्य भूमि। तो स्वाभाविक है बच्चों, जहाँ पर कृषि योग्य भूमि है
स्वाभाविक है कि मनुष्य वहाँ पर निवास यानी अपने अधिवास बना करके रहेगा, और इस तरह से आपको ध्यान रखना है। तो चलिए बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि आपने समझ लिया होगा। हम ह्यूमन सेटलमेंट को आज हमने समझा, हमने भारत और ब्राज़ील के मानवीय अधिवास को समझने का प्रयास किया। हमने समझने का प्रयास किया कि भारत में जहाँ पर अगर अधिवास की बात करें, सेटलमेंट यानी कहाँ पर किस प्रकार के सेटलमेंट, कहाँ पर हमने देखा कि केंद्रित अर्थात जो न्यूक्लेटेड सेटलमेंट की बात की, या हमने देखा जहाँ पर जैसे कि अधिक पर्वतीय क्षेत्र हैं या मरुस्थलीय क्षेत्र हैं, ऐसे क्षेत्रों में हमने देखा वहाँ पर स्कैटर्ड या प्रकीर्ण प्रकार की बस्तियों की चर्चा हमने की। इसके अलावा हमने ब्राज़ील के की बात की कि ब्राज़ील के में कहाँ पर किस प्रकार के मानवीय अधिवास या ह्यूमन सेटलमेंट हैं, इसकी भी चर्चा हमने की। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं कि पार्ट वन में इसे आपने समझ लिया है। अगली बार अर्थात पार्ट टू में जब हम मिलेंगे तो इसी पार्ट में अर्थात जो है भारत और ब्राज़ील के जो नगरीकरण की अगर बात करेंगे, यस, तो उसको हम पार्ट टू में देखने वाले हैं। तो चलिए बच्चों, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बृहन मुंबई महानगर पालिका के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। यस बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका के इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। तो बच्चों, हम उम्मीद करते हैं यहाँ तक आपने समझ लिया है। आगे फिर मिलेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।